हाय गाइस, टेकबॉल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए ले हूँ माइक्रोमैक्स भारत फॉर दिवाली एडिशन। ओके गाइस, इसका मॉडल नेम है और एक बात, इसका मॉडल नंबर भी है Q4002। ओके, मतलब 4002। ओके गाइस, इसका लगा FRP। उधर PC से FRP को कैसे रिमूव करते हैं, चलिए आपको दिखा दे रहे हैं गाइस। इसका एंड्रॉयड वर्जन है 8.1। ओके गाइस, 8.1 में तो काम करेगा, 9.0 में भी काम करेगा, मतलब एंड्रॉयड 9.05 में भी काम करेगा, 100% वर्किंग। सबसे पहले गाइस, इसका FRP लगा हुआ कि नहीं वो भी दिखा दे रहे, ध्यान से देखना। ओके गाइस, सबसे पहले गाइस, FRP को बाईपास करने के लिए एक सिम कार्ड का जरूरत पड़ेगा। एक अच्छा सा सिम कार्ड ले लेना। ओके, सिम कार्ड नहीं होगा तो FRP रिमूव नहीं होगा। सबसे पहले इसके FRP लगाओ कि नहीं देखा दे रहे हो, स्टार्ट में टिक कर दे। उसके बाद स्किप कर दे रहा हूँ। चलो, एक बात, FRP को बाईपास करने के लिए आपका वाईफाई के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं करोगे तो FRP बाईपास नहीं होगा। माज भी वाईफाई के साथ कनेक्ट करना ही पड़ेगा। मेरा देखिए सैमसंग J7 का है, मैं कनेक्ट कर ले रहा हूँ। देखिए, आप भी अपने वाला कर लेना ध्यान से। देखिए, हो गया। उसके बाद कैसे कनेक्ट करने के बाद FRP लगाओ कि नहीं दिखा दे रहे हो, बैक करके। और एक बार बैक करके मैं स्किप में जाके देखा हूँ। सेटअप आप न्यू पर टिक करके देखिए, पैटर्न तो मेरे को मालूम नहीं है कौन सा है। उसके बाद ईमेल आईडी में जाकर दिखा दे रहा हूँ। ओके, बस एक बार देखिए, नेक्स्ट भी नहीं हो रहा है और ईमेल आईडी तो मेरे को मालूम नहीं है कौन सा है। चलिए गाइस, बिना समय के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैचर के बाद, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में यार बेल आइकन को प्रेस करके और में प्रेस कर देना। इसी तरीके नया टेक्नोलॉजी वीडियो आपको उधर पहुँच जाएगा। और इंस्टाग्राम का फॉलो नहीं था प्लीज़ फॉलो भी कर लेना। ओके गाइस, सबसे पहले गाइस वीडियो को देख लेना, सुन लेना, उसके बाद ट्रिक को इस्तेमाल करना। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देना, गलती से एक भी स्टेप मिस करना मत करना। फर्स्ट टू लास्ट वीडियो को देखना। सबसे पहले इसके मॉडल नंबर दिखा दे रहा, देखिए गाइस, माइक्रोमैक्स Q4002, मतलब 4002। सबसे पहले सिम कार्ड को बैठा के सेट को ऑन कर लेना। ओके, देखिए सेट ऑन हो रहा है, देखिए सेट ऑन हो चुका है। अभी क्या ध्यान से देखिए, वोल्टी भी आ चुका है, नेटवर्क भी आ चुका है। इसको क्लोज कर दीजिए। बस ध्यान से देखिए, मैं टॉकबैक मेथड्स में नहीं करूँगा। ओके, टॉकबैक मेथड से करने से सिर्फ 8.1 के लिए बाईपास होगा। ओके, 9.0 के नहीं होगा, इसमें नहीं करूँगा। ओके, मैं 8.1 के लिए भी करूँगा, 9.0 के भी लेके करूँगा। कैसे देखिए गाइस, ध्यान से देखते रहना, फर्स्ट टू लास्ट वीडियो को देखते रहना। देखिए गाइस, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए गाइस, अब ध्यान से सुन लेना। ओके, नहीं तो वीडियो को सबसे पहले देख लेना, सुन लेना। देखिए गाइस, सबसे पहले हमें जाना है गाइस, इमरजेंसी कॉलिंग दिखाई दे रही है ना, इमरजेंसी कॉलिंग में टिक कर देना सिंपली से। देखिए यहाँ पे सिंगल टैप करके डबल टैप कर देना सिंपली, कि आपका कुछ इस तरह का डेप करके कलम को लगा देखा, कलम को लोगों में टिक कर देना। उसको देखिए एड कॉन्टैक्ट देखा देना, एड कॉन्टैक्ट में टिक कर देना। आपका माइक्रोमैक्स केयर का सर्विस सेंटर का नंबर आएगा, उसको टिक कर देना। टिक करने के बाद क्या देखिए, माइक्रोमैक्स का सर्विस सेंटर नंबर फिर से यहाँ पर टिक कर देना, देखा जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद देखिए मैसेज का लोगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए मैसेज का लोगो में टिक कर देना। ओके, मैसेज का लोगो ऊपर टिक कर देना, राइट के ऊपर थ्री डॉट देखा, राइट में उसको ठीक में टिक करके देखो, ऊपर सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें टिक कर देना। उसके बाद देखिए नोटिफिकेशन दिखा दे रहे हैं दो नंबर पे। ओके, नोटिफिकेशन में टिक कर देना। उसके बाद सिंपली से नीचे चले जाइए, नहीं तो ऊपर देखिए, एडिशनल इन द सेटिंग इन द एप है ना, इसमें चले जाइए। उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन में टिक कर देना। उसके बाद देखिएगा इसमें मैसेज के यहाँ पर टिक कर देना। ओके, उसके बाद गाइस देखिए SMS एप्स दिखा दे रहे हैं, SMS एप्स, यस, इसमें टिक कर देना। सिंपली से नीचे चले जाइए, ओपनिंग लिंक्स दिखा दे रहे हैं, इसमें टिक कर देना। उसके बाद सिंपली से नीचे चले जाइए, देखिए यूट्यूब गो दिखाई दे रहे हैं, यूट्यूब गो में टिक कर देना। उसके बाद देखिए गाइस, आपका फिर से यूट्यूब में यहाँ पर टिक कर देना। ओके गाइस, आपको सिंपली से कुछ इंटरफेस आएगा। उसके बाद देखिए एप्स नोटिफिकेशन दिखा दे रहे हैं, एप्स में टिक कर देना। उसके बाद देखिए एडिशनल सेटिंग इन द एप्स दिखा दे रहे हैं, इसमें टिक कर देना। सिंपली से आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसको सिंपली से नीचे चले जाइए। उसके बाद अबाउट में टिक कर देना गाइस। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद देखिए यूट्यूब टर्म्स एंड सर्विस दिखा दे रहे हैं, इसमें टिक कर देना। आपका सिंपली से ब्राउजर खुल जाएगा। उसके बाद एक्सेप्ट कर देना, उसके बाद नो थैंक्स कर देना। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है google.com, मतलब www.google.com। ओके, देखिए इसमें मेरा पहले लिख दिया, अभी अपने लिखा है। सबसे पहले वीडियो को देख लेना, सुन लेना, इसको ट्रिक को इस्तेमाल करना। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, गलती से एक भी स्टेप मिस मत करना। ओके, देखिए गूगल आ गया, गूगल में सबसे पहले आपको लिखना क्या गाइस, VN, देखिए GN हो गया, सॉरी कट कर दे रहा हूँ, VNROM, मतलब VN ROM। देखिए गाइस, VN ROM लिखने के बाद गो पे नहीं तो चार्ज में चार्ज कर देना है। आपका कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा। उसके बाद देखिए बाईपास गूगल अकाउंट 2019
वीएन रोम डॉट नेट देखा दे देना है, इसमें सिंपली से इसमें टिक कर देना, ओके मतलब प्रेस कर देना। प्रेस करने के बाद गाइस आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ से हमें करना है दो एपीके को डाउनलोड करना है, ओके सबसे पहले गाइस एंड्रॉइड 8.9 जीएसएम एपीके को, उसके बाद एमआरबी बाईपास एपीके को, ओके इसको कट कर देना, नहीं तो डाउनलोड नहीं होगा, इसको मस्ट भी कट करना पड़ेगा, ओके कट कर दिया। उसके बाद हमें सबसे पहले गाइस एंड्रॉइड 8.9 जीएसएम एपीके को हमें डाउनलोड करना है, उसको ब्लॉक कर दीजिए। सबसे पहले हमें एंड्रॉइड 8.9 जीएसएम एपीके को डाउनलोड करते हैं, ओके उसके बाद एफआरपी बाईपास को, सबसे पहले हमें एंड्रॉइड 8.9 जीएसएम को टिक कर देना, मतलब डाउनलोड पे बैठा देना, उसके बाद कंटिन्यू कर देना, ओके गाइस उसके बाद अलाउ भी कर देना, उसके बाद अलाउ भी करने के बाद ओके पे टैक कर देना, नहीं तो डाउनलोड नहीं होगा। उसके बाद एफआरपी बाईपास एपीके को भी सेम प्रोसेस से टिक कर देना, देखिए ओके का ऑप्शन आ जाएगा सिंपली से, देखिए आ गया। उसके बाद देखिए डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड कहाँ पे है देखा देगा, उस पर राइट में डाउनलोड का लोगो देखा देगा, इसमें टिक कर देना, उसके बाद सिंपली से देखिए हिस्ट्री के नीचे डाउनलोड है, देखिए गाइस डाउनलोड रहा होने दीजिए, कुछ छेड़खाने मत करिए, ओके गाइस। कैसे लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मेरा बहुत हेल्प हो सकता है, और दोस्तों भी शेयर करना, कुछ पूछना है तो कमेंट से कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके और में प्रेस कर देना, इसी तरीके की टेक्नोलॉजी वीडियो आपको उधर पहुँच जाएगा। और इंस्टाग्राम अगर फॉलो नहीं तो गाइस प्लीज़ फॉलो करके लेना, ओके देखिए एफआरपी बाईपास हो गया डाउनलोड, उसके बाद एंड्रॉइड 8.9 भी डाउनलोड हो रहा है, देखिए 2 सेकंड बाकी है, ओके हो गया। सबसे पहले कैसे हमें इंस्टॉल करना है एंड्रॉइड 8.9 जीएसएम एपीके को, ओके मतलब कैसे इंस्टॉल करते दिखा दे रहा हूँ, टिक कर देना। उसके बाद क्रोम का सेटिंग आएगा और क्लोज आएगा, आपको सेटिंग में टिक कर देना है, उसके बाद इसको अलाउ के अलाउ को परमिशन दे देना है, उसके बाद बैक कर देना, उसके बाद इंस्टॉल में टैप कर देना है, मतलब स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद सीधे से डन कर देना है, ओके ओपन का ऑप्शन नहीं आएगा, डन कर देना है। डन करने के बाद सेम प्रोसेस से एफआरपी बाईपास एपीके को टिक करके इंस्टॉल कर देना, बस इसे इंस्टॉल होने के बाद सीधा ओपन करना, ओके डन मत करना, देखिए कि ओपन ओपन का ऑप्शन आ गया, इसको सिंपली से ओपन कर देना है, ओपन में प्रेस कर देना, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, खुल जाएगा। उसके बाद राइट में और ठीक देखा देना, इसमें टिक करके ब्राउज़र साइन में चले जाइए, उसके बाद ओके पे टिक कर देना, उसको देखिए कि ओके पे टिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आने के बाद देखिए कोई भी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको करना है, यहाँ पे ऐड करना है, चाहिए तो बना भी सकते हो, ओके कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नीचे क्रिएट अकाउंट है, ईमेल आईडी और पासवर्ड ऐड नहीं प्रेस नहीं करोगे तो आपका एफआरपी बाईपास नहीं होगा, मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं प्रेस कर दिया, उस पर नेक्स्ट भी कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपका पासवर्ड भी बैठा है, पासवर्ड को नहीं दिखाऊंगा, देखिए पासवर्ड भी बैठा चुके थे, सिंपली से साइन इन में टिक कर देना है, साइन इन में टिक करने में ऑटोमेटिकली आपका ईमेल अकाउंट ऐड होगा, देखिए साइन इन हो रहा है, हो गया। उसके बाद कैसे जो पावर बटन के हो गए, पावर बटन को होल टाइम प्रेस करके रखिए, देखिए लॉक बटन को होल टाइम प्रेस करके रख के मोबाइल को करना है, देखिए रिस्टार्ट का ऑप्शन आ गया, रिस्टार्ट में टिक कर देना है, ओके कर देना, रिस्टार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, होने दीजिए, कुछ छेड़खाने मत करिए, ओके गाइस जल्दी से बैटरी से को रिमूव मत करना, मोबाइल का थोड़ा सा टाइम लगेगा रिस्टार्ट होने में, होने दीजिए, कुछ छेड़खाने मत करिए, ओके गाइस। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मेरा बहुत हेल्प हो सकता है, और दोस्तों भी शेयर करना, कुछ पूछना तो कमेंट से कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके और में प्रेस कर देना, इस तरीके की टेक्नोलॉजी वीडियो आपको उधर पहुँच जाएगा। और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं देखिए प्लीज़ फॉलो भी कर लेना, ओके गाइस। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो को बीच में पॉज कर दूंगा, देखिए सेट में हो चुका है, सेट के ऑन होने के बाद उसके गेट स्टार्ट में टिक कर देना है, मतलब स्टार्ट में टिक कर देना है, उसके बाद सेटअप अपने टिक करके ऑटोमेटिकली बैक कर देना है, देखिए बैक करने के बाद और एक बार बैक कर देना, देखिए पहले स्किप का ऑप्शन नहीं था, स्किप का ऑप्शन आ चुका है, मतलब आपको जो एफआरपी था बाईपास हो गया, मतलब रिमूव हो गया, गूगल अकाउंट लॉक रिमूव हो गया, उसको इसमें टिक करके कंटिन्यू कर देना, जो प्रोसेसिंग है गाइस आप कंप्लीट कर लेना, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद नोट नाउ पे प्रेस कर देना, हमको कोई पैटर्न पिन नहीं चाहिए, उसके बाद ऊपर से सिंपली से स्क्रॉल करके एक्शन में टैप कर देना, उसके बाद नो थैंक्स कर देना, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, इसके बाद नेक्स्ट कर देना गाइस, उसके बाद फिर से नेक्स्ट उसके बाद इसको क्लोज करके कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर से नेक्स्ट कर देना, नहीं तो टिक मार्क को हटा दीजिए, रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट कर देना। ए लीजिए गाइस आपका मोबाइल हो गया तैयार, गाइस वीडियो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, सबसे पहले कैसे हमको करना है ऊपर से स्वाइप करके मोबाइल को डाटा वाईफाई को बंद कर देना, डाटा को भी बंद कर देना, ओके उसके बाद मोबाइल के सेटिंग में सिंपली से चले जाइए, सबसे पहले हमें जाना है अकाउंट पे, उसके देखिए यूज़र इस अकाउंट देखिए नीचे है मेमोरी के नीचे किधर गया, नीचे देखिए यूज़र इस अकाउंट में जाना है, सबसे पहले हमें गूगल अकाउंट मतलब जीमेल अकाउंट को रिमूव कर देना है, नहीं तो जीमेल अकाउंट को रिमूव नहीं करोगे तो कस्टमर का आपको अकाउंट मिल जाएगा। उसके बाद जाना है आपको एप्स इस नोटिफिकेशन में, देखिए इस ऐप इस नोटिफिकेशन में चले जाइए, इसके बाद सबसे पहले देखिए एफआरपी बाईपास को दोनों एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए,
ओके, नहीं तो चाहिए तो मोबाइल को फॉर्मेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गूगल अकाउंट में क्यों सी ओर पर टिक करके, राइट में थ्री डॉट को टिक करके, सिस्टम शो को एलएमएल कर एनेबल करके, आपको गूगल अकाउंट मैनेजर को भी अनइंस्टॉल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल को फॉर्मेट भी कर सकते हो। लीजिए गाइस, आपका मोबाइल हो गया तैयार। ओके गाइस, कैसे रखो बात, वीडियो चला तो लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मेरा बहुत हेल्प हो सकता है, और दोस्तों पे शेयर करना, कुछ पूछना है तो कमेंट में कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके और में प्रेस कर देना, ये दिखी नया टेक्नोलॉजी भी आपको पहुंच जाएगा। और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं देगा, प्लीज़ फॉलो भी कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।